महाराष्ट्र विधान परिषद से 27 जुलाई को 11 विधायक रिटायर हो जाएंगे। विधायक महाराष्ट्र विधानसभा सदस्यों के मतदान के माध्यम से परिषद के लिए चुने गए थे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन 11 सीटों के चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विधानसभा में संख्या बल के मुताबिक फिलहाल महायुति NDA के 9 और महाविकास आघाड़ी MBA के 2 उम्मीदवार जीत सकते हैं। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर कांग्रेस किसे मौका देगी। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय करने के लिए महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता दिल्ली में एक बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि विधान परिषद चुनाव में किसे उम्मीदवारी मिलेगी। कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम में भी चर्चा है। महाराष्ट्र विधान परिषद से 27 जुलाई को 11 विधायक रिटायर हो जाएंगे। विधायक महाराष्ट्र विधानसभा सदस्यों के मतदान के माध्यम से परिषद के लिए चुने गए थे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन 11 सीटों के चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विधानसभा में संख्या बल के मुताबिक फिलहाल महायुति NDA के 9 और महाविकास आघाड़ी MBA के 2 उम्मीदवार जीत सकते हैं। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर कांग्रेस किसे मौका देगी। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय करने के लिए महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता दिल्ली में एक बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि विधान परिषद चुनाव में किसे उम्मीदवारी मिलेगी। कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम में भी चर्चा है।